बच्चा साइकिल पे स्कूल जा रहा था, आज उस शख्स के साथ उनके मोटरकेड में पुलिस की 3 गाड़ियां एज एन एस्कॉर्ट चलती है। कल जो आदमी अपना भविष्य पुणे के अलग अलग भागों में, चाहे वो वाकड़ेवाड़ी हो, चाहे वो कल्याणी नगर जहां उनकी पहली रियल स्टेट की स्कीम आई, वहां तलाश रहा था, आज उस शख्स की रियल स्टेट स्कीम्स दुबई, मैंगलोर, पुणे और न जाने कहां कहां है। आदमी कुछ ऐसा है कि जब उसने इश्क किया तो 14 साल में, कई लोग ऐसा कहते हैं कि प्यार, इश्क, मोहब्बत ये तो किराए के मकान बदलते रहते हैं, लेकिन 14 साल हुए उस आदमी ने इन्हें नहीं बदला। और जब महबूब ने हां बोला 14 साल बाद, तो उनकी शादी को दुनिया ने देखा। वो आदमी जब वो फिल्म करता है तो उनकी फिल्म को 11 अलग अलग भाषाओं में अलग अलग निर्माता, अलग अलग निर्देशक रिपीट करना चाहते हैं। मैं मुंशी पैटर्न की बात कर रहा हूं। वैसे तो इस शहर में बहुत ऐसे लोग हैं जो करने के लिए कमाल करते हैं, लेकिन मेरे साथ जो शख्स बैठे हैं, पुनीत बालन, इनकी खास बात यह है कि ये जो भी करते हैं वो कमाल नहीं, बेमिसाल करते हैं। तो ऐसे ही बेमिसाल करने वाले पुनीत बालन, आपका बहुत बहुत स्वागत पुणेकर न्यूज में। ये जो जर्नी है साइकिल वाली, साइकिल से आज आप मोटरकेड है, पुलिस की सुरक्षा है, इतने तमाम शहरों में आपका कारोबार है, कैसा रहा ये सफर और कितना टफ लगता है सफर? देखिए, सफर तो टफ रही है। जो बोलते ना कि बॉर्न विद अ गोल्डन स्पून, ऐसा नहीं है, बिकॉज स्ट्रगल सिर्फ मेरे प्रति नहीं हुआ, स्ट्रगल इज हैपेंड फ्रॉम माय फादर आल्सो। ही इज अ सेल्फ मेड मैन। बहुत लोगों को उनकी स्टोरी पता नहीं, आपके माध्यम से आई विल प्लीज स्टोरी बोलूंगा। श्योर। कि एट द एज ऑफ 11, जब वो एग्जाम में फेल हुए थे, हिज फादर ने उनको पनिश किया था एंड ही हैड टाइड हिम टू अ ट्री। कड़क धूप और झाड़ को बांधा है, सहन नहीं हुए, दिल पे लगा, ईगो, मोर देन ईगो आई थिंक दिल पे लगा। तो उस रात एक अनजान ट्रक में वो बैठे, मदुरई से वो पुणे आ गए। उनको पता नहीं था कि वो ट्रक कहाँ जाएगी, कहाँ जा रहे हैं। लैंग्वेज बैरियर थी, क्योंकि हेलिंग फ्रॉम तमिलनाडु, तो उनको सिर्फ तमिल लैंग्वेज आता था। KEM हॉस्पिटल के सामने, अगर आपको याद है तो, आज भी वो मंदिर है हनुमान जी का जी। 2-3 दिन वहाँ रहे और एक बुजुर्ग उनको हमेशा देखते थे 2-3 दिन से, कि ये बालक यहाँ ही बैठे हैं दिन रात यहाँ ही। तो जब उसने देखा वो, उसको पूछा तो ही कुड नॉट कम्युनिकेट, सो ही फिर उन्होंने तमिल में कुछ तो भी लिखा रहेगा जो उनको दिखाया, तो उनको फिर वो उस भाषा में उससे बात की। फिर उन्होंने उसको साथ में लिया एज एन जो बुजुर्ग थे। ही वॉज दी ओनर ऑफ द बहुत बड़े फेमस रास्ता बेट में एक लॉज थी, साउथ इंडियन मेस लॉज, तो उसके वो ओनर थे एंड ही गेव हिम अ जॉब भी ऐसा दिया है, जैसे बोलते हैं नो वन इज बॉर्न विद अ गोल्डन स्पून। तो द इनिशियल जॉब जो उन्होंने उनके लाइफ में किया है इज वॉशिंग ऑफ यूटेंसिल्स इन द लॉज। सो हिज जर्नी एंड हिज यू कैन से करियर जो है, इट स्टार्टेड वहां से। सो पुनीत, यू आर सेइंग लाइफ वाज नॉट ऑलवेज इजी। इट वाज नॉट इजी फॉर हिम एंड नॉट इजी फॉर मी। आई रिमेंबर इन वन ऑफ इंटरव्यूज यू सेड यू स्टार्टेड वर्किंग एट 16। यस। सो पिताजी ने 11 पे किया, आपने भी तो 16 पे किया। 16 पे किया, बिकॉज जैसा मैं उनका जर्नी बोला कि उन्होंने वहां से वहां स्टार्ट किया, देन कैफे डिलाइट में ही वर्क्ड एज अ वेटर। अच्छा। एंड वन थिंग, ही वाज वेरी प्रिंसिपल्ड एंड एथिक। He never took a tip from anyone because he said, "I am getting paid, so that is my salary, and I am satisfied by that." वहाँ से उन्होंने automobile का business start किया, second hand buying and selling. Often he became the sole distributor of 118 any premier in Pune. क्या बात है? And then got into construction. Side by side, yes, मेरे father-in-law भी जो थे, उनका भी ऐसा ही हादसा था, तो वो और मेरे father cycle पे शाम में जब उनके काम हो जाते
because there were hardly there was difference. My father was 11 and he was 14. अच्छा आने का समय ऑलमोस्ट सेम वो बीड़ी बेचते थे तो मेरे फादर उनके तो शोले वाली जोड़ी हो गई जय जय वीरू वाली जय वीरू वाली जोड़ी है तो ऐसा उनका लाइफ स्ट्रगल था एंड जो भी आज क्रिएट किया है उन्होंने कंस्ट्रक्शन वाज हिज कोर बिजनेस उसमें ही क्रिएटेड व्हेन आई पास्ड आउट एट एज ऑफ 16 सो मेरे माइंड में कहा तो भी क्लियर था कि मैं एमबीए करूंगा नहीं बिकॉज मेरे घर में ही वॉकिंग टॉकिंग एमबीए है सही है तो मुझे एमबीए की जरूरत ही नहीं और मुझे आज भी लगता है कि प्रैक्टिकल नॉलेज से बढ़िया कोई भी नॉलेज नहीं थ्योरेटिकल चाहिए लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज जितना होगा उतना अच्छा रहेगा इट आउटशाइंस एवरीथिंग इन आउटशाइंस एंड यू आर फोकस यू आर फोकस्ड इन अ पाथ सो व्हेन आप जो बोले एट एज ऑफ 16 सो व्हेन आई पास्ड फ्रॉम द 10th एंड देन आई जॉइंड द बिजनेस पिताजी को ज्वाइन किया था आई जॉइन द बिजनेस विद हिम सो एट एज ऑफ 16 आई थॉट दे देंगे कैबिन दे देंगे डायरेक्टर का पोस्ट दे देंगे व्हाइट कॉलर हाँ और फाइनेंस की कंट्रोल भी दे देंगे साइन करूंगा साइन करेंगे लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं और क्यों क्योंकि ही सेड दैट यू शुड आल्सो बी लर्निंग द वे आई हैव लर्न द टफ पाथ टफ पाथ यू हैव एंड उन्होंने जो बोला कि यू हैव टू not you have to earn you're not going to get anything free so for success you need to make your hands dirty make your hands mehnat dirty nahin. mehnat karna padta hai to mujhe yaad hai ki 16 to I'll say 18 2 years hamare ek architect the vikas bhandari theek hai unke office mein I was working on a salary base of 5000 rupees so, every month is shahar ke jo बहुत बड़े रईस से पुनीत बालन वो एक समय में 5000 रुपए महीने की सैलरी पर काम भी कर रहे थे हाँ, 2 साल काम किया और जैसे हम लोग नौकरी में कहते हैं यस सर सुबह से वैसे भी कर रहे थे वैसे वहां तो मेरा मेन काम तो देखो आर्किटेक्चर बैकग्राउंड नहीं था बिकॉज कॉमर्स ग्रेजुएशन था मेरा आई वॉज लर्निंग कॉमर्स एट टाइम बट जो मैंने फोर्टे वहां उनसे सीखा वॉज लाइजनिंग ऑफ गवर्नमेंट प्लान सेंक्शन करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है तो ये सब चीजें मैंने उस टाइम भी किया है उनके साथ सो 2 साल डेडिकेटेडली उनके पास जब काम किया ऑब्वियसली पिताजी ने फीडबैक लिया रहेगा कि कैसा ठीक है काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं तो एट एज ऑफ 18 देन आई वाज वेलकम बैक टू द ऑफिस एंड गिवन द पोजीशन हियर बट देन टू आई वाज नॉट गिवन अ डायरेक्टर पोजीशन और यू नो एज हेड ऑफ एनीथिंग इट वाज लाइक अ नॉर्मल एम्प्लॉय इन द कंपनी वर्किंग ऑल्सो नो 5-star फैसिलिटीज जस्ट बिकॉज आई एम हिज सन जमीन से चालू करो मतलब ही टोल्ड माय एम्प्लॉइज कि ट्रीट हिम एज वन ऑफ द नॉर्मल एम्प्लॉय ट्रीट हिम एज वन ऑफ द एम्प्लॉइज लेट हिम अर्न इट फॉर हिमसेल्फ पुनीत डू यू थिंक व्हेन इट कम्स टू योर सक्सेस और योर ओवरऑल करियर एज अ बिजनेसमैन एज एन एंटरप्रेन्योर दिस स्टेप्स बाय योर फादर इट प्लेड अ वेरी क्रूशियल रोल आई थिंक इट इज इट विल इट प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल बिकॉज सी मुझे लग रहा है कि जब हम लोग हार्ड स्टेप से वी वॉक द पाथ ना तो कोई भी चैलेंज आने को तब के जब बाहर निकलता है तो अच्छा यू ग्लिटरी होगा बिकॉज यू आर देन मेंट फॉर ऑल काइंड ऑफ टेरेन यू कैन सर्वाइव इन विंटर यू कैन सर्वाइव इन रेनी सीजन यू कैन सर्वाइव इन द हीट एंड एंड एनी कैलामिटी और एनी मोर देन कैलामिटी ऐसे एनी सिचुएशन किसी भी माहौल में कोई भी सिचुएशन रहे यू आर अ फाइटर मैन बिकॉज इट इज डेवलप्ड इन यू और मे बी ही मस्ट हैव सीन दैट दैट आई हैव दैट फाइटर इंस्टिंक्ट इन मी बट ही जस्ट नीडेड दैट ट्रिगर पॉइंट एंड दैट इज व्हाई ही मेड मी डू दिस पुनीत मैं जानता हूँ या मेरा जब मार्केट में लोगों से बात होता है बहुत सारे पॉलिटिशियंस आपके दोस्त हैं अच्छे पॉलिटिशियन अक्रॉस पार्टीज आईपीएस आईएएस यानी ब्यूरोक्रेट्स आपके दोस्त हैं सीनियर जर्नलिस्ट आपके दोस्त हैं और अक्सर ऑफलाइन बातों में कभी आपका विषय निकला तो लोग कहते हैं कि भाई ये आदमी कभी स्ट्रेस नहीं लेता है ये आदमी वो कहते हैं ना कि जो खानदानी रईस हैं वो रखते हैं मिजाज नर्म अपना तुम्हारी दौलत बता रही है तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत है नहीं नहीं आपकी दौलत तो नहीं नहीं आपने बहुत कुछ खुद के दम पे किया है लेकिन ये मिजाज नर्म कैसे क्या है ये इतनी शालीनता जो कूट कूट के भरी है ये कैसे आई थिंक जो ये संस्कार जो है वो मेरी माँ से आए उन्होंने मुझे एक चीज हमेशा बोली कि
जब भी आप कुछ भी करोगे जिंदगी में, आप नम्रता और प्रेम ये भूलना मत। डोंट लेट योर ईगो ओवरटेक यू। दैट द डे योर ईगो और एरोगेंस विल ओवरटेक यू, योर नेचुरल पर्सनैलिटी, दैट विल बी द डे वेन योर डाउनफॉल विल स्टार्ट। क्या बात है। और आपने ये गांठ बांध के रखी है, सेव करके रखा है। ऑब्वियसली यू, आज मैं आपके साथ बैठा हूँ, आज हमारे यहाँ इतने लोग मेडिकल फाउंडेशन के द्वारा हेल्प के लिए आते हैं। अगर मैं बाहर किसी को छोड़ने आता हूँ तो मैं सबको मिलता हूँ, ऐसा नहीं। अगर लॉबी में है या वेटिंग एरिया में, आई गो एंड मीट देम, बिकॉज सी आई आई फील एवरी ह्यूमन बीइंग एट वॉट एवर लेवल ही इज, एट आफ्टर ऑल ही इज अ ह्यूमन बीइंग, करेक्ट, ही इज नॉट समवन स्लेव और समवन, यू नो, वी आर नॉट एनी वन अ डिक्टेटर टू डिक्टेट एनी थिंग्स टू इंसान यू। इंसान है, इंसान उसको इंसान उसकी है, अहमियत और मिलनी चाहिए। इंसान इंसान है, और इंसान के साथ इंसानियत ही करना चाहिए और इंसानियत की तरह ही बिहेव करना चाहिए, आई थिंक। तो ये जो गांठ उन्होंने दी है वो संस्कार मेरे पे है, और बहुत सी चीज़ उन्होंने बोला जो आगे जैसा आप क्वेश्चन डालोगे मैं वैसा उनके, और उन्होंने जो जो मुझे बताया माने वो बताऊंगा। तो इन शॉर्ट, इट वॉज नॉट ईजी, इट्स दी हार्ड वे दैट बोथ माई फादर एंड माई जर्नी ऑल्सो। स्पेशली कमिंग फ्रॉम मदुरई, तमिल, सो पुणे में खासकर जब आप बिजनेस आगे बढ़ा रहे थे तो लैंग्वेज या कल्चर का कहीं बैरियर आया आपको? तो नहीं, मुझे तो सी आई वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप हियर, यार पुणे कर, पुणे का। सो आई एम टेक्निकली पुणे का, बॉर्न हियर, ब्रॉट अप हियर, स्टडीड हियर, सो आई नो हिंदी, मराठी, नहीं बट इंग्लिश। कभी कोणी भटल का कह रहे तुम्ही तो बाहर से, तुम्ही थोड़ा साइड ला हुआ थोड़ा। नहीं वो आता थी का है, आता वन कधी कधी मी ना अनेक गोष्टी सोशल मीडियावर सांगतो आणि मी इग्नोर करू ते कमेंट्सला, बरं, कारण बिकॉज वाय आय विल टेल दिस, वेन ये जो बाहर का जो मुद्दा निकाले, कुछ दिन से काफी चर्चा चल रही है कि आई मे कंटेस्ट इलेक्शंस हियर और देयर। मैं उस पे सो आऊंगा। व्हेन आई सी दोस कमेंट्स कि अरे मराठा उमेदवार पाहिजे हा बाहेर से, आई थिंक यू नो पीपल शुड रियलाइज दैट इन अ नेशन लाइक इंडिया विच हैज 140 करोड़ की आबादी, डाइवर्स कल्चर एंड यूनिटी फ्रॉम वेरियस स्टेट्स, इट इज वन, वी से ना भारत एक है, विविधता में एकता, विविधता में एकता। तो पीपल की माइंडसेट शुड चेंज। आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन पुणे, यू आर पुणे के। यस, आई हैव डन एवरीथिंग इन पुणे, माई लाइफ इज हियर, आई एम विल ऑलवेज बी इन पुणे, आई एम नॉट शिफ्टिंग एनीवेयर, एंड फॉर मोर देन आई एम पुणे कर, आई एम एन इंडियन। सो यू नो दीज कमेंट्स आई इग्नोर बिकॉज ये भी एक कला है पुनीत, इग्नोर करना एक बहुत बड़ी कला है। सी इट हैज टू बी इग्नोर बिकॉज द पीपल हु कमेंट दिस, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि उनकी सोच हमेशा छोटी रहेगी और छोटी रहेगी। और वो आपको ट्रिगर करना चाह रहे हैं। ट्रिगर करना चाहते हैं लेकिन मैं ट्रिगर ही नहीं हूँ, बिकॉज ये जो पेशेंस का जो क्वालिटी है ना जो मेरे माँ ने सिखाया है, आई थिंक इट्स कम फ्रॉम हर, शी वॉज अ वेरी गुड, शी वॉज अ टीचर, तो बट ऑब्वियस है फिर हाँ, तो। सो शी वॉज अ टीचर, शी यूज टू टीच, एंड शी वॉज अ वेरी, मतलब गाई थी, मतलब एट एनी काइंड ऑफ सिचुएशन यू विल नेवर सी हर हाइपर और यू नो एंजाइटी और इन एन एग्रेसिव मोड। तो आपके पर्सनालिटी में ये जो गुण आए हैं ये माँ के ओर से आए, माँ की तरफ से आए हैं। 100% आई विल गिव फुल क्रेडिट्स टू हर। आप कह रहे थे कि भाई आप कैसे भी सवाल पूछो, कैसे आंसर देना है वो मैं डिसाइड करूंगा। तो आपसे एक ऐसा सवाल पूछते हैं जो पत्रकारिता की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है और आप अपने स्मार्टनेस से हमें डॉच करके दिखाओ। पुनीत बालन का एक पत्रकार के तौर पे मुझे इंटरव्यू, राजनीतिक पुनीत बालन, पॉलिटिशियन पुनीत बालन या राज्यसभा वाला पुनीत बालन, उनका इंटरव्यू हम लोग कब ले पाएंगे? मुझे लगता है इस लाइफ टाइम में आप जब भी इंटरव्यू लोगे, भले वो प्लान तो अभी तक तो कोई फिक्स नहीं है, बट इन केस वन अभी मतलब पर्सन, अभी 2 मिनट के लिए फिक्स नहीं है, आज के लिए फिक्स नहीं है या कैसे? ठीक कुछ समय के लिए फिक्स नहीं है मैं बोलूंगा, बट अगर है, फिक्स हुआ तो भी, जब भी आप मेरा इंटरव्यू लोगे, पॉलिटिशियन बोल के नहीं, पुनीत बादम बोल के इंटरव्यू लोगे, क्या बात है, इसको कहते हैं सादगी। वंडरफुल पुनीत, ये बताइए पिताजी ने
रियल एस्टेट का बिजनेस स्टार्ट कर दिया था। लेकिन आज जो बालन ग्रुप है, आज रियल एस्टेट है, आज फिल्में हैं, आज स्पोर्ट्स में आप इतना बड़ा काम कर रहे हैं। कई लोगों को शायद ये पता नहीं होगा कि बार्सिलोना की कंपनी जिसके साथ आपका टाइप है, जेबी है, उसमें आप ऑटो सेक्टर में बड़ा काम कर रहे हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं ये आपके आने के बाद स्टार्ट हुई है। बिल्कुल। तो इस विषय में थोड़ा सा हमें जानकारी दीजिए, ये क्या है और क्या हो रहा है ये सब फील्ड्स में। देखिए कैसे है कि आई थिंक जैसा आपको पता है जॉइंट एट 18 2000, कोर बिजनेस तो हमेशा कंस्ट्रक्शन है और रहा है और अभी रहेगा भी। कहाँ का प्रोजेक्ट है अभी? अभी है प्रोजेक्ट अभी पुणे में चल रहे हैं, बैंगलोर, मैंगलोर एंड दुबई। क्या बात है, वंडरफुल। लेकिन व्हेन आई केम जॉइन तभी आईटी की काफी बूम थी, Y2K एंड यू नो उस टाइम पे। सो इंजीनियरिंग में लोग आईटी लेते थे, स्पेशलाइजेशन में स्पेशलाइजेशन थी। तो ग्रुप ऑफ पीपल मेट मी उस टाइम पे जो एक्स सत्यम, दे वर वर्किंग इन सत्यम। अच्छा। बोले कि ये है ऐसा है ऑटोमोटिव, मतलब देखो आई हैव नो नॉलेज ऑफ एनी ऑटोमोटिव डिजाइन बट बिजनेस वाइज द प्लान लुक्स गुड। सो इन 2004 आई रिमेंबर वी स्टार्टेड दिस कंपनी, an IT company called Solutionize, which was core business was designing into automotive designs, and then add on हम लोगों ने IT enabled services, then typical BPO call center ये add on किया। वो पूरा माहौल जो चल रहा था उस time। उस time पे तो we got into that business with grace of God 2008-2009 this company from Spain called Idiada Automotive Technology, largest they have the largest testing track in the world in Barcelona aaj hi aisa 400 hectare mein hai, 400 hectare mein, and koi bhi vehicle Europe ya UK mein jaisa apne paas ARI hai chakan ARI to waisa ya ICAT hai to waisa inka hai ki विदाउट इनके सर्टिफिकेशन कोई भी व्हीकल टेस्टिंग यहाँ पर होता है लॉन्च होता नहीं। तो बार्सिलोना में टेस्टिंग भी होता है, काफी से क्रैश एनालिसिस होता है। सो लॉट ऑफ OEMs आर वर्किंग विद देम वेरी क्लोजली, लाइक फ्रॉम BMW टू Mercedes टू टाटा Renault, सब काफी। तो दे हैड अप्रोच्ड अस, सो दे अप्रोच्ड अस, मुझे याद है वो कि 2009 में डिसम्बर I used to always make a point wherever I am in this world. 10th of December was my mother's birthday, so I used to be in Pune. कुछ भी हो, कहाँ भी हो, दुनिया यहाँ की वहाँ हो जाए. 10th December for her birthday I would be here. So Puneet Balan जिद्दी भी है. जिद्दी भी है. तो उसमें क्या हुआ कि in 2009 December, 8th of December I went to Spain. 9th I attended the meeting. 9th night I flew back. I reached early morning on 10th, and 10th by 7 o'clock in the morning I was for a wedding. क्या बात है? So I had gone and met them. तो जब हम मिले तो उन्होंने तो ऐसा ऑफर डाल दिया कि मुझे पता था कि because as a group we never wanted to close down or outrightly sell any of our business. And their first condition was we don't do JVs. मतलब 100% चाहिए? हमको 100% चाहिए। पैसा लो, कार्यक्रम खत्म करो। आप विल बाय यू आउटराइट। करेक्ट। आप वैल्यूएशन करेंगे, विल बाय यू आउटराइट। सो आई वाज लिटिल दिस, आई सेड वी विल गेट बैक टू यू। सो आफ्टर आई केम बैक, हम लोग कंसल्टेंट से बात करके फिर उनको लिखे कि वी डिक्लाइन योर ऑफर ऑफ बाइंग अस आउट। पुनीत बालन सेड टू अ स्पेनिश कंपनी, वी डिक्लाइन योर ऑफर ऑफर ऑफ बाइंग अस आउट। सो थोड़ा ऑब्वियसली दे मस्ट हैव गॉन ऑन अ बैक फुट बिकॉज़ they have offices in 35 countries and wherever they have, aur itni badi company hai world ki, and jab bhi unhone ye kiya hai they have always out that time I remember ki Brazil and India are of our company and Brazilian company they were looking to, and they were successful in taking over the Brazilian outright, not Indian one. No, not Indian one. So they wo to surprise the ki not Puneet Balan's Indian one. Maybe. So they were surprised ki ये कौन लड़का जो मना कर रहा है, मना कर रहा है। फिर काफी हुआ, लॉयर लॉयर बात कर रहे थे, दो तीन महीना उसमें गया। देन फाइनली द चेयरमैन ऑफ द ग्रुप डॉक्टर चार्ल्स ग्रेशियस, ही हैड कम टू इंडिया, ही वाज ऑन अ विजिट, आई टुक हिम आउट फॉर डिनर, आई एक्सटेंडेड तो मैं बोला उनको,
ओवर अ डिनर आई थिंक वी कनेक्टेड अ लॉट एंड वी स्पोक वेरी वेल एंड आई टोल्ड हिम सी दिस इज द फर्स्ट बिजनेस इन माय करियर दैट आई हैव स्टार्टेड द आईटी कंपनी व्हिच इज माय ओन बिजनेस बिल का मामला है आई विल नॉट वांट टू सर्व 100% गिव इट 100% आउट ही सेड नॉट एन इशू लेट मी गो बैक एंड आई विल गेट बैक सो एक 10 दिन में दे देन फाइनली केम बैक दैट यस वी विल गिव यू you will be our JV partner, but you will not be a majority JV partner. You will be a minority of 24%, which we agreed. I said, "Theek hai." So we that is how we got into a collaboration with that company, Touchwood. Today also they are doing very well, and all over they are doing well. This was the first IT. I remember then we got into entertainment business. Munshi Patel. So 2014, I formed this company called Puneet Balan Studios. Previously, it was known Puneet Balan Entertainment Limited. Then we changed the name. 2014 to 2017, I had n number of scripts which used to come, but I didn't finalize because I was waiting. या मुझे पता नहीं आज अंदर से ऐसी मैसेज थी कि जो पहली फिल्म करोगे वह ऐसे करना जिसमें सोशल मैसेज भी रहेगा. तो 2017 में आई रिमेम्बर फिर प्रवीण मिला मुझे. क्रिकेट मैच हम लोग खेल रहे थे, सेलिब्रिटी क्रिकेट मैच. वो मैच पुनीत बालन का फेवरेट चीज स्पोर्ट्स क्रिकेट. तो हम लोग क्रिकेट खेलने के बाद डेक्कन की डेक्कन जिम खाना की जो कैंटीन है बाहर वहाँ चाय और बन मस्का खा रहे. तब प्रवीण ने बताया कि मैं 6 साल से एक स्क्रिप्ट लेके घूम रहा हूँ. मैंने बताऊँ 5 मिनट्स में बताऊँ मैंने क्या है. उसने फिर मुंशी पैटर्न की क्रिस्प ब्रीफ शॉर्ट में स्टोरी बताई. मैंने बोला कि डन वी आर डूइंग दिस. तभी के तभी यू कैन वेरीफाई विद हिम. नहीं नहीं आपके कहने के मतलब वेरीफाई क्यों. तभी के तभी वी हैव वी आई क्लोज द डील. आई से कल ऑफिस आना टेक द टोकन ऑफ क्या बात. वी विल डू दिस. द रीजन वी वेटेड आल्सो इज बिकॉज़ मुल्शी पैटर्न हैड अ सोशल मैसेज. इट्स अ ट्रू स्टोरी ऑन हिंजेवाड़ी एंड हाउ द आईटी हब. बट इट शोस दैट अ फार्मर्स सन एक तो उसमें जो सबसे स्ट्रॉन्ग मैसेज है शेती विकायची नसती शेती राखायची असते. सो दैट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग दिस. बट इसमें वी हैव आल्सो शोन दैट देयर आर टू कैरेक्टर्स. एक जो गैंगस्टर बनता है और एक जो मुलजी का है वो पुलिस ऑफिसर बनता है. तो इट इज अप टू द पीपल क्या लेना चूज विच पाथ कौन सा रास्ता चुनना कौन सा रास्ता. तो दैट इज हाउ वी स्टार्टेड आवर जर्नी इन द इसमें दो चीजें मुझे लगता है आपसे मिस हुई क्योंकि हम भी पत्रकारिता में कुछ सालों से हैं. आंध्र प्रदेश में वो बार्सिलोना वाली जो कंपनी है चंद्रबाबू नायडू उस टाइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर थे और उस टाइम एक माहौल बना था देश में कि शायद आपके साथ वो कंपनी वहां पर कुछ करेंगे. और देखो समय का फेर देखो पुनीत आज हम लोग जब बैठे हैं आज मेरे ख्याल से 12 तारीख है और कल ही के दिन चंद्रबाबू नायडू वापिस मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर बने आंध्र प्रदेश में. आप तो ये बताओ आगे क्या. देखिए उस टाइम पे दो मेरे रिलेशन अच्छे थे विद चंद्रबाबू नायडू एंड आई हैड टेकन द स्पेन की कंपनी वहाँ. और तभी उन्होंने 1000 एकर्स हमें अलॉट भी किया था. वहाँ के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर से भी बात हुई थी. MOU हुई थी. लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द स्पेन कंपनी हैव कम इन ऑल्सो. वेरी अनफॉर्चुनेट पार्ट इज दैट द गवर्नमेंट चेंज एंड जगन केम इन. चीजें चेंज हो गई. हाँ YSR केम हिज पार्टी केम जगन केम एंड जगन स्क्रैप्ड ऑल द प्रोजेक्ट्स दैट ऑफ प्रीवियस गवर्नमेंट. सो दिस रियली हैम्पर्ड. भविष्य बताइए ये तो इतिहास है. सी अभी फिर से बात करेंगे चंद्रबाबू नायडू से. अगर स्पेन पीपल आर अप टू इट टू डू इट बिकॉज उस टाइम पे जो दो टेस्टिंग ट्रैक्स बनने वाली थी बिकॉज गडकरी जी से भी बात हुई थी उस टाइम पे मीटिंग भी हुई थी. तो there were two options. One was China and one was India. China went ahead. They did it in China. India was on a back foot and they had invested. But now, definitely, अभी he's come back in power and board पे discussion तो होगी. अगर board approves, then we will approach again. हमको जरूर बताना उस time क्योंकि ये एक तरह से news हम लोग break कर रहे हैं आपके साथ ऐसे interview में. इसके अलावा मुंशी पैटर्न मराठी में जो बनी मराठी में मुंशी पैटर्न या हिंदी में मुंशी पैटर्न कहेंगे हिंदी मूवी या बाकी लैंग्वेज में उसका वो इम्पैक्ट नहीं है ऐसा लोग कहते हैं. हिंदी तो मूवी मैंने देखी है
ये इस बारे में आपका क्या कहना है और आगे क्या हिंदी मूवीज करोगे आप? मुंशी पैटर्न तो किए, उसके बाद एक दो मराठी और एक जग्गू जुलेट किया। वी डिड अ लॉट ऑफ, हम लोग ने सबसे आइकॉनिक शॉर्ट फिल्म हम लोग ने किया 75th ईयर ऑफ इंडिया विद अमिताभ बच्चन की आवाज में, अमिताभ बच्चन की वॉइस ओवर जी। एंड आई विल बी वेरी ग्रेटफुल टू श्री अमिताभ बच्चन बिकॉज जस्ट अ कॉल फ्रॉम मी एंड द आर्मी साइड ही डिड द फिल्म विदाउट एनी रेम्यूनरेशन और शानदार है। Yeah. मैंने देखी है ये शॉर्ट, ये डॉक्यूमेंट्री है। व्हेन आई मीट पीपल दे से दैट वी नेवर न्यू द हिस्ट्री ऑफ एनडीए, कि एनडीए कैसा, हाउ एनडीए केम इन, एंड दे थैंक अस फॉर दैट, वी हैव वन लॉट ऑफ अवार्ड्स आल्सो फॉर दैट। जग्गू जुलेट थी, वी हैव वन फिल्म कमिंग अप इन नेक्स्ट टू मंथ्स ऑन रिलीज कॉल्ड रांटी, इट्स अ रीमेक अगेन ऑफ अ साउथ फिल्म, शरद केलकर लीड है। उसकी भी टैगलाइन काफी अच्छी है क्योंकि उसकी टैगलाइन ऐसी कि काई अस्तत काई बनता था। क्या बात है। सो इट्स अगेन आई थिंक योर पॉडकास्ट विल बी द फर्स्ट दैट विल अनाउंस दैट नेक्स्ट ईयर वी विल हैव मुल्शी पैटर्न 2 आल्सो कमिंग इन। वाओ, सो दैट्स अ बिग न्यूज। या सो पार्ट 2 ऑफ मुल्शी पैटर्न 2 इज अंडरवे, सो इट शुड बी रिलीज्ड इन 2025। वंडरफुल। एंड हिंदी वी आर डूइंग, वी आर इवैल्यूएटिंग अ स्क्रिप्ट, इट्स अ ट्रू स्टोरी फ्रॉम कश्मीर। आपका फेवरेट एरिया? इट्स माय फेवरेट एरिया, एसोसिएशन विद आर्मी। स्कूल्स बनाई हैं आपने वहां? सो वी हैव लॉट ऑफ स्टोरीज देयर। गणपति स्टार्ट किया है कश्मीर में? मी दशहरा किया, दशहरा किया है। सो ये ट्रू स्टोरी है कि एंड नाउ वी हैव नॉट नेम द फिल्म बट व्हाटएवर वी हैव गिवन द नेम इज ऑपरेशन ऑल आउट। ऑपरेशन ऑल आउट शोस अ ट्रू स्टोरी हाउ एक्स नंबर, आई विल नॉट रिवील द प्लॉट, बट एक्स नंबर ऑफ मिलिटेंट्स वर किल्ड इन सिंगल डे। So it's in and around that, and how the operation was led by the Indian Army and the other armed forces. It's a true story, but so that will be in Hindi. Wonderful. That we are looking कि 2026 में वो release होगी या 25 है। क्या बात है, पूरा roadmap तैयार है। roadmap तैयार। पूरे businessmen तो बहुत है, बड़े-बड़े entrepreneurs भी है भारत में, लेकिन जब उन उस फहरिस्त में जब पुनीत बालन का नाम आता है तो पुनीत बालन के नाम के साथ चार चीजें और आती है जो पुनीत बालन को बाकी लोगों से अलग करती है। उसमें एक है सारे गणपति मंडल को आपका जो सपोर्ट होता है, और कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर में वहां भी आपने गणपति फेस्टिवल स्टार्ट किया। बाकी तीन चीजों का हम ओवर अ पीरियड बात करेंगे। ये कैसे कि गणपति मंडल कोई भी हो, गणपति मंडल के समय ऑक्सीरिच, आपका सपोर्ट पानी का या बाकी और भी, ये सब क्या है आपका गणपति के साथ जो प्रेम है, और पुणे कर आपको गणपति फेस्टिवल, ये पुनीत बालन नाम के सिवाय पूरा कंप्लीट नहीं हो सकता, इस विषय में आप क्या कहेंगे और क्या बैकग्राउंड है इस विषय में? इस विषय में ये कहूंगा कि पीपल आर सीइंग द सपोर्ट टू गणपति मंडल नाउ, बट इट्स नॉट नाउ। माय फादर इन लॉ, यू कैन से 95-96 अगर आप आर्काइव्स निकालोगे, गणेश फेस्टिवल वॉज नोन बिकॉज ऑफ मानिक सिंह, बिकॉज फ्रॉम 95 until 2005-2006 इफ यू सी, जब भी गणेश उत्सव हुआ हर मंडल को जो सपोर्ट उनका बड़ा रोल ये था वो मानिक चंद ग्रुप की थी, उनकी एडवर्टाइजमेंट्स रहती थी उस टाइम पे। बाद में थोड़ा स्लो डाउन हुआ फॉर वट एवर रीजंस, बट देन 2018 आई से लेगेसी शुड कंटिन्यू, वाई नॉट। So 2017-18 onwards, we again started doing this support to all the Ganesh Mandals. Or support to Ganesh Mandals is only for one simple reason, not because we want to do our brand. Obviously, branding comes. जो पुणे की कल्चर है, क्योंकि सार्वजनिक गणेश उत्सव की शुरुआत, उसका जो केंद्र बिंदु है वो पुणे रहा है, बिल्कुल, during freedom fighting, बिल्कुल, 1892 our founder Srimant Bhausaheb Rangari, who was a freedom fighter, started the Ganesh Utsav because British, you know that time there was aapke zamane mein bolenge hum 144 used to be there ki sab saath mein nahi reh sakte, to revolt and to fight against them. And yes, he and Lokmanya Tilak, because and Lokmanya Tilak was a celebrity face that time, so he told him ki you spread it across. To uski kendra bindu kya thi, Pune thi, सिटी एरिया थी, तो वहां से गणेश उत्सव की शुरुआत हुई। कहा, मुझे लगता है कि आज के समय में जिस
तरीके से वेस्टर्नाइजेशन आ गया है, काफी कल्चरल मैं बोलूँ इम्बैलेंसेस चल रहे हैं यूथ में भी. सो देर इज अ नीड टू प्रिजर्व आर फेस्टिवल्स एंड आर कल्चर, और वो कोशिश आप कर रहे हो। और वो कोशिश मैं कर रहा हूँ. और मेरे साथ अनेक गणेश मंडल जो जुड़े हैं, जो अनेक कार्यकर्ता जुड़े हैं, ये हम सब साथ में इसके लिए है कि पुणे की एक तो इस कल्चर और फेस्टिवल को प्रिजर्व करना ही है, बट पुणे का जो गणेश उत्सव जो लोकल है उसको वोकल वोकल एंड लोकल दोनों है, उसको लोकल वोकल करके कैसा ग्लोबल कर सकते हैं. तो ये कोशिश है पुनीत बालन की, दिस इज दी पॉइंट ऑफ. और अब पर्सनली रात के 3:30-4 बजे तक मुझे पता है अनेक मंडलों के साथ रहते हैं गणपति के समय, बिल्कुल एक पर्सनल इंटरेस्ट भी है. पर्सनल इंटरेस्ट भी है. लॉर्ड गणेश इज अ गुरु टू मी. नथिंग, कोई भी शुभ कार्य आपको करना चाहिए उनके आशीर्वाद के बिना कुछ बिना कुछ नहीं, तो विघ्न हर्ता भी है जी. तो एंड पर्सनली आई फॉलो हिम एंड हिज फादर शिव जी. सो बोथ हैव, सो आई रियली इट्स एन इमोशनल कनेक्ट आई विल से, एंड इट्स एन इमोशनल सब्जेक्ट फॉर मी कि आई वर्शिप देम बोथ ऑफ देम. एंड गणपति हैज ऑलवेज बीन अ बॉयज फेस्टिवल, एज नवरात्रि हैज ऑलवेज बीन यू कैन सी मोर ऑफ वुमन बिकॉज द हैंड ये दांडिया और ये सब उपवास होता है, दांडिया है, गरबा है, गरबा काइंड. और गणपति हैज ऑलवेज बीन अ बॉयज फेस्टिवल. Heading the trust, so you have to take the reins in your hand. So you need to be there on ground. So we are there till early morning. Like a leader. इस टाइम तो आप भी आइए रात में हमारे साथ. बिल्कुल. क्यों वहाँ रात की महफिल बहुत अलग रहती है. कॉफी मंगा रहे हैं, पोहा खा रहे, गपशप होती है. और ये जिंदगी है. It is. जिंदगी सिर्फ ऑफिस में इसी में बैठ के नहीं चलती. You have to also cherish life. No? Yes. You can't always be monotonous in life. कि आप ऑफिस में बैठो दिन भर ये करो, जस्ट मीट फ्यू ब्यूरोक्रेट्स, मीट फ्यू एक्स वाई जेड, ऐसा नहीं होता. यू हैव टू हैव द कलर इन योर लाइफ और कलरफुल लाइफ. सो दिस इज पार्ट ऑफ द कलरफुल लाइफ. पूरी कलर से याद आया कि यही कलर्स आप कश्मीर तक लेके जा रहे हैं. गणपति उत्सव वहां भी हो रहे हैं, आप करा रहे हो जी. वहां आप काफी सारे स्कूल्स आपने ओपन किए हैं, तो कश्मीर का पुनीत बालन कनेक्शन जो है उस पर कुछ बताइए. पहला मैं गणेश उत्सव के बारे में बात करूंगा, देन आई विल शेयर टू द एसोसिएशन विद द आर्मी. मुझे लगता है कि लास्ट गणेश उत्सव जो कश्मीर में सेलिब्रेट हुई थी वो 99 में हुई थी, जब मिलिटेंसी, बिकॉज मिलिटेंसी द पीक ऑफ इंसर्जेंसी ऑफ मिलिटेंसी वाज 99 के बाद कभी भी वहां गणेश उत्सव सेलिब्रेट नहीं हो. दैट फियर वॉज दैट इफ यू सेलिब्रेट वी विल टेक यू डाउन. एंड आफ्टर 370 एवर्गेशन ये सब होने की वजह से आई थिंक कश्मीर तो दूसरा हिस्सा नहीं है ना, इंडिया का तो हिस्सा. बिल्कुल. इट इज अ इंटेग्रल पार्ट ऑफ इंडिया. बिकॉज आई हैव हैड दिस डिबेट इन विद द आर्मी, माय एसोसिएशन इज देयर, आई विद द ऑफिस विद सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स देयर व्हेन आई विजिट लास्ट ईयर. इफ यू नॉट, 2 साल पहले मैंने ये अनाउंस किया थी अगले साल का गणेश उत्सव कश्मीर में होगा नियर वाहन चो, तो लोग मुझे पागल समझने लगे. वो डीरिंग का काम है. लॉट ऑफ आईपीएस पीपल सेड यार व्हाई आर यू अनाउंसिंग, स्पेशली दैट टाइम माहौल जो है, माहौल जो थी, और जॉइंट सीपी और सीपी सर जो थे बोले यार गणेश उत्सव के आयन मोमेंट पे तुमने ये अनाउंस कर दिया, तो काफी यहाँ भी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन. मैंने सर जो है इंटीग्रल पार्ट है इंडिया, करके रहेंगे. एंड 34 ईयर्स के बाद दी गणेश उत्सव फेस्टिवल हैपेंड इन कश्मीर. भले 1.5 दिन का हुआ, गणपति यार मंदिर है विच इज दी ओल्डेस्ट गणपति टेम्पल. टूडे ऑल्सो यू कैन नॉट गो वेरी ओपनली, स्पेशली बिकॉज आई वर्क विद आर्मी. आई कैन आई रिमेम्बर कि मैं सुबह 6:30 बजे सिविल व्हीकल विथ 1 आर्मी ऑफिसर कर्नल रैंक विथ मी, वी बोथ इन सिविल एंड 1 of the PSOs एंड वी ऑल्सो हैविंग आर ओन इंडिविजुअल वेपन्स, went in the morning in a civil vehicle in downtown of Srinagar, because the temple is situated in downtown. वहाँ गए मंदिर में, ट्रस्टीज से मिले, बात किए एंड आ गए बस. एंड देन दे ऑल्सो वर सपोर्टिव कि उन्होंने इनिशिएट को हाथ बड़ा काम है लेकिन और ये आए. और इस साल भी
लाइक लास्ट टाइम जो पुणे की ग्राम देवता कस्बा गणपति की मूर्ति हमने भेजी, तो इस साल भी हम वापस वो आएंगे, यहाँ से मूर्ति प्रदान होगी और वहाँ गणेश उत्सव होगा। वंडरफुल। तो ये दिस इज हाउ द गणेश उत्सव, एंड नॉट ओनली गणेश उत्सव, दशहरा ऑल्सो हैपन। यस अगर आप देखेंगे यस, लास्ट ईयर हम लोगों ने दशहरा भी किया, सेलिब्रेट किया। वहाँ जो कश्मीरी पंडित है, जो उनकी एसोसिएशन है, उनको जो भी फाइनेंशियल फंडिंग चाहिए थी, जो वो रावण धन के लिए जो भी चीजें लगते हैं, वो हम लोगों ने सपोर्ट किया, जहाँ से भी चंडीगढ़ दिल्ली से लाना था, और वहाँ के जो पक्षी स्टेडियम के पास जो ग्राउंड है, वहाँ सभी डिग्नेटरीज को बुला के फर्स्ट टाइम दशहरा ऑल्सो आफ्टर 34 ईयर्स। सो आई थिंक इट इज अ पार्ट ऑफ इंडिया, नो वन विल, कितना है भी कोई भी कुछ भी बोले, कश्मीर हैज ऑलवेज बीन अ पार्ट ऑफ इंडिया, विल बी, एंड इन फ्यूचर ऑल्सो देर विल बी नो चेंज। व्यूअर्स, मैं एक मिनट के लिए अपना अटेंशन पुनीत बालन से हटा रहा हूं। इस देश में अमीर लोग बहुत है, रईस लोग बहुत है, अपने एसी के कैबिन में बैठ के हजारों करोड़ के बिजनेस पे बात करना है, डील करना कई लोग कर लेते हैं, लेकिन जिगरा बहुत कम ऐसे लोगों में है जो यहां पुणे में बैठ के या भारत के किसी भी हिस्से में बैठ के कश्मीर में जो 34 साल से नहीं हुआ वो करने की कोशिश करना चाहते हैं, भारत की सांस्कृतिक और विविधता में एकता वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको बरकरार करने के लिए कोई कोशिश करते हैं। तो पुनीत बालन, हमारे पुणेकर व्यूज की ओर से मैं आपको इस पूरे कोशिश के लिए दिल से मैं आपका शुक्रगुजार हूं, और आप इसको और बढ़ाते रहिए, मुझे पूरी उम्मीद है, पूरा विश्वास है, मीडिया ही नहीं पूरे भारत के लोग आपके इस कोशिश, आपके इस प्रयास में आपके साथ है। थैंक यू। ये बताइए, आप स्पोर्ट्स में भी बहुत कुछ कर रहे हैं, आर्मी के साथ स्कूल्स वाले काम कर रहे हैं, स्पोर्ट्स के लोगों को आप स्पॉन्सर करते हैं, नॉट ओनली क्रिकेट, आप 60 से ज्यादा जो एथलीट्स या अलग अलग फील्ड में जो काम कर रहे हैं, वो क्या बात है और उसके पीछे आपका क्या मकसद है? अभी आपने दोनों टॉपिक निकाला है, आर्मी एंड स्पोर्ट्स, तो पहले मैं स्पोर्ट्स पे वापस आ जाऊंगा। स्पोर्ट्स आई थिंक, देखिए व्हाट आई फील इज, इंडिया ना इतनी आबादी है, 140 करोड़ की जी, इमेंस टैलेंट है, बिल्कुल, बट क्रिकेट हैज बीन अ रिलीजन इन आर कंट्री। करेक्ट। हर एक पेरेंट को चाहिए कि उसका लड़का बैट उठाए, इस देश का सचिन तेंदुलकर हो या विराट कोहली हो। सही। बट व्हाट अबाउट द अदर स्पोर्ट्स, किसी का ध्यान नहीं है। आर नेशनल स्पोर्ट्स ऑफ आर कंट्री इज हॉकी, यस, इट्स इग्नोर्ड, टेनिस इग्नोर्ड, टेबल टेनिस इग्नोर, इंडिजिनियस स्पोर्ट्स जो इंडिया का स्पोर्ट्स है, खो खो इग्नोर, कबड्डी इग्नोर, प्रो पंजा आर्म रेसलिंग इग्नोर, चेस इग्नोर। सो इन, जब हम लोग ने ये इनिशिएट डिस्कशन हुई हमारे ग्रुप में, व्हेन वी सेड, आई सेड वी शुड एंटर द स्पोर्ट्स एरिना, सो दे सेड यस यू कैन, बट व्हाट इज द प्लान, आई सेड द प्लान इज टू सपोर्ट नॉन क्रिकेटिंग स्पोर्ट्स, एंड दैट इज हाउ वी गॉट इन टू बाइंग ऑफ टीम्स इन वेरियस फ्रेंचाइज बेस्ड लीग्स। सो वेदर इट इज टेनिस, इट्स टेबल टेनिस, खो खो, हैंडबॉल, प्रो पंजाब, ग्लोबल चेस लीग, वी स्टार्टेड बाइंग टीम्स टू सपोर्ट देम, यस, टू सपोर्ट द गेम, सपोर्ट द गेम एंड सपोर्ट द एथलीट्स। ये करते करते ऑब्वियसली महाराष्ट्र प्रीमियर लीग, हम महाराष्ट्र में रहते, पुणे में, तो क्रिकेट इज बीन अ पैशन, माय सेल्फ प्ले क्रिकेट, आपके दिल से जुड़ी हुई चीज है, दिल से जुड़ी हुई चीज है, तो वहां भी टीम ली, क्योंकि वहां के भी प्लेयर्स को हमको प्रोत्साहित करना है, तो ये सब स्पोर्ट्स को सपोर्ट करते, वी स्टार्टेड सपोर्टिंग एथलीट्स आल्सो हु आर एक्सक्लूसिवली इन आवर स्पोर्ट्स डिवीजन। कितने एथलीट्स को सपोर्ट कर रहे हैं एज ऑन डेट टुडे? वी हैव 60 एथलीट्स, सो राइट, वी हैव इन टेनिस, इफ यू आस्क मी, वी हैव बोथ वुमन नंबर वन नंबर टू, अंकिता रायना एंड रायना, ऑल्सो आर एशियन गोल्ड मेडलिस्ट ऋतुजा भोसले है, वी हैव अर्जुन खड़े, क्या बात है, मैं आई हैव अंकित भावने विद मी, टाइकोंडो I have three athletes, but taekwondo we have around 5-6, but one of the girl, she doesn't have a father, raised by her mother, she is from Srinagar, from Valley. I have two cyclists, one from Baramula and one Bilaldar who just won a few years a medal in Asian Games in cycling. He's from, also he's from Baramula. Umar Shah, one of our cricketers who was from Jammu Kashmir again, didn't get an opportunity to play in
जम्मू कश्मीर फॉर वॉट एवर रीजन, तो उसको मैंने यहाँ लाया. आर्मी गेव मी हिज रेफरेंस, वी गॉट हिम हियर. हम लोगों ने उसको यहाँ लाया. उसको महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन के मैचेस जो है, इन्विटेशन है, लीग है, उसमें खिलवाया. आज वो MBL में सिलेक्ट हुआ है. क्या बात है. सो क्रिकेट है, टाइकॉन्डो है, साइकिलिंग इज देयर, देन वी हैव शूटिंग, उसमें भी राइफल शूटिंग, आर्चरी, सो वेरियस एन नंबर ऑफ स्पोर्ट्स. सो खेलों की जब भी प्रगति की बात की जाएगी, इस देश का नाम जब भी आएगा, मुझे लगता है इसमें प्रोत्साहन जिसने किया, पुनीत बालन के नाम के बिना ये कहानी, ये इतिहास या इतिवृत्त पूरा नहीं हो पाएगा. ये सब आप करते हैं, बहुत अच्छी बात है. मकसद क्या है, पर्पस क्या है? मकसद इज वेरी क्लियर, टू प्रमोट द स्पोर्ट्स, टू प्रमोट द टैलेंट. बिकॉज अगर पैसा भी तो खर्चा होता है पुनीत. हाँ, तो सी अभी जो हम लोग टीम्स जो इसमें लेते हैं फ्रेंचाइज बेसिकली, इट्स नॉट आउट ऑफ पैशन, उसके पीछे भी बिजनेस एंगल है. नहीं, बट काफी कुछ आप सोशल लेवल पे जो करते हैं, पैसा तो खर्चा होता है, होता है. तो एक बिजनेसमैन के तौर पे पैसा खर्चा, मतलब लोगों से पैसा छूटता नहीं है, और आप ये सब में पैसा, काफी सारे इनिशिएटिव्स में पैसा खर्चा करते हो. आई थिंक इसके पीछे यू नो, तो सोशल इनिशिएटिव्स में भी पैसा खर्चा होता है. इसके पीछे जो नाल है और द रीजन इज माय मदर, बिकॉज शी न्यू दैट आई एम ग्रोइंग इन बिजनेस नाउ, आई एम गोइंग टू टेक लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ये सब. तो उन्होंने एक ही चीज बोला कि अगर तुम जिंदगी में 1 रुपया कमाओगे, 30% आप गवर्नमेंट को दे दो आपके टैक्सेस विक्सेस, 40% इज मोर देन इनफ फॉर यू टू लिव अ लग्जरियस लाइफ, एंड 30% जो है जो कमाओ बैलेंस है वो सोसाइटी में या समाज के लिए और सोशल कॉज वापस दीजिए. सो टुडे अ फाउंडेशन इज देयर इन आवर नेम, इंद्राणी बालन फाउंडेशन. इंद्राणी बालन फाउंडेशन उनके नाम से है, और उस फाउंडेशन से अनेक काम हो रहे हैं. आज भी जो भी, वी डोंट टेक एनी डोनेशंस फ्रॉम आउटसाइड, जो भी मनी गोज टू द फाउंडेशन फ्रॉम द ग्रुप कंपनीज, और जहां भी कम गिरेगा तो इंडिविजुअली आई पुट इट, एंड देन ऑल मनी 30% दैट इज एनुअली एक्युमुलेटेड गोज फॉर ऑल सोशल इनिशिएटिव्स. क्या बात है. व्यूअर्स, मैं आपका यहाँ पर वापस ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा एक खास बात के लिए. हमने जब ये डिस्कशन पुनीत बालन के साथ प्रारंभ किया, तो इन्होंने अपने पिताजी की बात की कि पिताजी ने किस मेहनत से इनका पूरा जो ये बिजनेस है या जो एम्पायर है वो स्टार्ट किया, एक अम्बल बैकग्राउंड से आते हुए. अब जब ये इंटरव्यू या डिस्कशन अपने समापन की ओर जा रहा है, तो ये अपनी माता जी को क्रेडिट दे रहे हैं कि उन्होंने जो सिखाया या जो लेसन दिया, ये उस पथ पर चल रहे हैं. तो ये जो संस्कार है अपने प्रगति में अपने घर वालों को या अपने बड़ों को शामिल करना, याद रखना, ये बहुत कम हो रहा है. तो इसके लिए भी मैं कहूंगा कि क्रेडिट आपको जाता है, नई जनरेशन के लिए एक बड़ा मैसेज है ये. मीनवाइल आपका जो सोशल इनिशिएटिव्स है, पढ़ा लिखा गया बहुत कुछ है, आप खुद बताइए और क्या क्या हो रहा है और किस लेवल पे काम हो रहा है. See, I think, as I, इसके पहले, I told you why the social initiative started. The main pillar behind this is my mother. Yes. Today the foundation jo hai is under her name, and lot of initiatives are done under that foundation. And number, example, 15,000 cycles. 15,000 cycles baati gayi hai. Have been distributed yahan schools mein in Satara district and Pune district. Kyun? कहा तो भी ऐसे लगा कि बच्चे को घर से स्कूल आने के लिए 8 से 10 किलोमीटर चलना पड़ता है. वो पेन पॉइंट आप सॉल्व करना चाहते हैं. पेन पॉइंट, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं थी बराबर, रास्ते बराबर नहीं है, टाइम वेस्ट कर रहा है स्टूडेंट आने जाने में, 1 घंटा आने 1 घंटा हो सकता है. इसी कारण कई लोग स्कूल जा भी नहीं पा रहे हो, जा भी नहीं रहे. तो हम लोग ने फिर ऐसे स्कीम की, जो साइकिल रहेगी वो स्कूल में नहीं, स्टूडेंट को नहीं देंगे, वो स्कूल को देंगे. School will allocate it to the children. जब 10th वो पास करेगा, उसको लिविंग सर्टिफिकेट तभी मिलेगी जब वो साइकिल वापस करेगा. क्या बात है. ये पुनीत बालन का स्मार्टनेस है. So 15,000 cycles have been distributed in Pune and Satara district. Close to digital India के प्रति हम जा रहे हैं. 2014 के बाद पंतप्रधान ने बोला कि make it digital India. So 7,500 computers have been distributed to schools to make various computer labs.
एंड नॉट ओनली एंड दिस इज नॉट ओनली पूना और डिस्ट्रिक्ट ऑफ सातारा डिस्ट्रिक्ट, दिस आई एम सीइंग ऑल ओवर. वी हैव सेंट टू द बॉर्डर एरियाज ऑफ उत्तराखंड, नेबरिंग ऑफ नेपाल एंड उत्तर प्रदेश, लखनऊ, एवरीवेयर, जम्मू कश्मीर, उधर लेह लद्दाख, एवरीवेयर. स्कूल्स तो बांध रहे, काफी बांध रहे हम लोग. अभी लोनी धाम में जो है यहाँ नियर राजगुरु नगर खेड, वहाँ एक स्कूल ऑलमोस्ट वी हैव फंडेड एंड वी हैव कंस्ट्रक्टेड 50,000 स्क्वायर फीट का स्कूल इज रेडी. एक एकड़ से ज्यादा, एक एकड़ इज रेडी फॉर इनोग्रेशन, कुछ दिन में उसका होगा. फ्यू मंथ्स बैक हम लोग ने यहाँ कॉरपोरेशन के सामने शिवाजी मराठा स्कूल के साथ 14 करोड़ डोनेट किया है. वी आर बिल्डिंग अ गर्ल्स हॉस्टल देयर फॉर द गर्ल्स टू स्टे. आईसर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस रिसर्च के साथ इज अ वेरी बिग इनिशिएटिव. एक टेम्पररी साइंस एक्टिविटी लैब रेडी हुआ है विच इज अराउंड 10,000 स्क्वायर फीट का स्पेस है, विच इज अंडर अगेन माय मदर्स नेम कॉल इंद्रानी बालन साइंस एक्टिविटी सेंटर. व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस? इट इज फॉर द चिल्ड्रन ऑफ द स्कूल्स, वेदर रूरल और अर्बन स्कूल्स, फ्री ऑफ कॉस्ट. दे हैव टू ओनली टेक एन स्लॉट. क्या बात है? एट वन टाइम 200 स्टूडेंट्स कैन कम. सो इसका इनिशिएटिव यही है कि जो प्रैक्टिकल नॉलेज साइंस का है कि लाइट कैसे जनरेट होता है, ये वहाँ आईसर के जो साइंटिस्ट है वो बच्चों को सिखाते हैं. सरकारी स्कूल लेवल पे जो नहीं मिल पाता वो यहाँ आके सिखाते हैं. और सबसे बेस्ट चीज, वहाँ जो भी यूटिलाइज करते हैं टू टीच दिस, वेदर इज द पेन और द थिंग, एवरीथिंग इज रिसाइकल एंड रीयूज्ड. इट्स नथिंग न्यू. सो सीडी प्लेयर पेन्स है, ये यू शुड विजिट. तो वहाँ भी जरूर वी आर इनिशिएटिंग 80,000 स्क्वायर फीट बिल्डिंग विद इन आईसर. सो वी आर ऑलमोस्ट डोनेटेड 23 करोड़ फॉर दिस, विच विल बी अगेन अंडर माय मदर्स नेम. सो एंड द एंड नंबर वॉक इन, तो आई बिकॉज शी वॉज अ टीचर, तो वी गिव हमारा जो फर्स्ट मोटो रहता है टू एजुकेट द चिल्ड्रन ऑफ दिस कंट्री बिकॉज इट विल गिव देम अ ब्रॉडर व्यू. तो माने जो रास्ता दिखाया, जो पथ दिखलाया, उसको आप आगे लेके जा रहे हो. आर्मी के साथ क्या कर रहे हो? सो आर्मी के साथ, सी आर्मी एसोसिएशन इज अगेन अ वेरी डिफरेंट एसोसिएशन. काफी लिखा गया आपके बारे में, काफी कुछ आर्टिकल्स है इस पर. काफी है. आर्मी हैज बीन ऑलवेज बीन क्लोज. सबको पता नहीं कि माय ग्रैंडफादर, माय मदर्स फादर वाज इन द आर्मी एंड ही वाज अ फुल कर्नल. मुझे आजोबा, नाना जी, यस, ही वाज इन, ही वाज इन द आर्मी एंड ही वाज अ फुल कर्नल. फुल कर्नल. एंड ही रिटायर्ड इन सदर्न कमांड. ओके. अच्छा. आई ऑलवेज वांटेड टू बी इन द आर्मी. ओके. आई वांटेड टू जॉइन इन द आर्मी बट ऑब्वियसली बिजनेस कमिटमेंट्स एंड ऑल दिस आई कुड नॉट बी इन द आर्मी. बट आई विल डिस्क्लोज दिस दैट आई हैव गिवन माय एग्जाम फॉर टेरिटोरियल आर्मी. गर्ल्स होम इन कश्मीर विच यू आर सपोर्टिंग. Okay. It was the girls' home for orphan girls whose parents were killed by militancy. So we were funding it. I never went there. Army came to know about this, that there is a gentleman who is, you know, supporting. I still remember that 2019, end of 19, early of 20, General Raju, B.S. Raju, who was the vice chief of the army, who is retired now, we met him in Srinagar because I was invited there. And then they told that under the Sadbhavna mission, hum log ne Kashmir and Jammu, dono jagah 2000 mein, army goodwill schools for civilians, no army child, ye open kiya hai. There are 24 schools in Kashmir. So we want financial support also. For other schools also. For these schools and also
वी आर नॉट हैंडिंग ओवर द स्कूल्स, इट विल बी रन जॉइंटली बाय योर फाउंडेशन एंड द आर्मी, एंड वी वांट टू रन दिस बिकॉज वी वांट टू यू वी डोंट वांट द यूथ एंड चिल्ड्रन ऑफ कश्मीर, विच आई ऑल्सो एग्री आर, टू टेक द पार्ट ऑफ रेडिकलाइजेशन. जो मद्रासाज और उधर जो सिखाया जाता है विच इज यू रेडिकलाइज एंड नैरो माइंडेड, हमको इन बच्चों को ब्रॉड आतंकवाद की तरफ नहीं जाने देना है, आतंकवाद की तरफ नहीं जाना है, रेडिकली नहीं सिखाना है. वी डोंट वांट द यूथ टू पिक अप वेपन्स, सच अ पायस थॉट, और वो पायस मतलब पुनीत. वी डोंट वांट देम टू पिक अप वेपन. तो वी एग्रीड, आई विजिट अ लॉट ऑफ स्कूल्स दैट टाइम, एंड देन इनिशियली वी स्टार्टेड विद 5 स्कूल्स. So the module is we fund the school, we fund the expenses of the school, and close to and we run it jointly with the army. I will be proud to say that out of 24 schools that are only in the Kashmir Valley, 15 are supported by the foundation today. Kya baat hai? And all, that's a big number. And all in high militancy areas. It is in Shofian, it's in Pulwama, it's in Anantnag. It's in Kupwara, Baramula, Thandar. पुनीत कभी डर भी लगता है? देखो इस पे मैं बोलूंगा, जो डर है ना, तो my wife, because see this, I only do not only work with the army towards CSR. We are doing other initiatives also towards national security, which I cannot disclose. ठीक. But there is a lot of risk involved. So she always, my mother-in-law. I have lost my parents, so my mother-in-law, my wife always say, why you want to do? I always say, agar goli likha hai mere kismet mein hogi, nahi likha hai to main karte rahun. Kya baat hai? So we do this. So this was the initiative with the school. We are, today we are, and the best part is, the education is free for the children. Uri ka school, jab Uri attack hua tha, army base. Movie bani hai. Haan, movie to bani hai, but jo pehli attack Adankwadi ne ki thi Uri mein, वही ये स्कूल पे ही गई थी, ये इसी स्कूल पे, इसी स्कूल पे ये स्कूल अपने पास है. आज मैं बोलूंगा कि ये 3 इयर्स और 4 इयर्स टुडे दिस इनिशिएटिव एमओयू इज बीन साइन 2021 वी साइन, द स्कूल रेशियो ऑफ एडमिशन फ्रॉम 200 इज टुडे गॉन टू 600, वेयर फीमेल रेशियो इज 55%, मेल इज 40%. कितना बड़ा एक सोशल इनिशिएटिव है, वेरी बिग इनिशिएटिव, खासकर एक गर्ल चाइल्ड के एजुकेशन को लेके, गर्ल चाइल्ड को लेके. सेकंड, म्यूजिक इज व्हाई आई विल बी लिटिल हार्ड लाइन ऑन दिस, वी विजिट लॉट ऑफ इस्लामिक कंट्रीज, दुबई है, कतार है, वहां तो रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि पिक्चर मत देखो, म्यूजिक मत सुनो. तो इंडिया में क्यों और वाई इन कश्मीर? सो वी विद द आर्मी वी केम अप विद एन इनिशिएशन दैट हाउ टू एंगेज दिस यूथ. तो वी स्टार्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन ऑफिशियली इन कुपवाड़ा एंड बारामूला. लास्ट वीक ओनली वी हैड अ टीम ऑफ द आरजीज एंड होम वी हैड हायर्ड, उनको पुनः बुलाया, यहाँ फीवर एफएम में उनका ट्रेनिंग करवाया और वो गए. कितने अलग अलग विषयों पर आप काम कर रहे हो. बिल्कुल. और सबसे बड़ी चीज, I got married in February 5th, 2022. 26 January, I was in Shofian with my wife. We erected the tallest high mast flag in Kashmir, in Shofian, in the motherboard of terrorism of 150 feet. This is what we did. Super. So Army Association has been really good, and touch wood, not only today Jammu Kashmir, but Northern Command where it comes Leh Ladakh, Central Command and Southern Command. These are the 3 major commands that we are working, and yes, towards national security also, and towards social initiative also. अभी पुणे में आप देखो संविधान चौक की हम पार्क बनाया, so that initiative was with Southern Command. Now on 21st of this month, there will be a function which will invite all of you all also in Southern Command, where we are the Southern Command and Puneet Balan Group with the Yoga Institute for the army troops, their families. We are launching a yoga portal for their health and well-being. So these are the initiatives that we have done with the army, and we'll continue to do it. Viewers, inke saath
पिछले कुछ लम्हे इतने रफ्तार से गए कि समय का पता ही नहीं चला, और मुझे लगता है इनके साथ जो कहानी शुरू हुई है बातों की, इनके अचीवमेंट्स को लेके और जिस स्तर पर ये काम कर रहे हैं, अगर हम कई दिन बैठकर भी बात करते रहे तो ये खत्म नहीं होगा। लेकिन कार्यक्रमों में और पॉडकास्ट में समय की पाबंदी होती है, लेकिन हमारे ख्वाहिशों की पाबंदी नहीं है। और हमारी ख्वाहिश है कि पुनीत बालन ऐसे ही आगे बढ़ते रहे, बहुत अच्छा काम करते रहे देश के लिए, और अपने साथ साथ हमारे पुणे का, पुणेकरों का नाम भी आगे बढ़ाते रहे। इनके अगली तरक्की के साथ, इनकी अगली कामयाबी के साथ कुछ महीनों बाद इनसे वापस मिलेंगे। लेकिन आज समय के अभाव में इस विषय को, इस डिस्कशन को यहीं पे समापन करते हैं। पुनीत बालन, आपने अपना इतना कीमती समय दिया पुणेकर न्यूज को, आपके हम दिल से बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। ये यंग एंटरप्रेनर, ये यंग बिजनेसमैन इसी रफ्तार से और आगे बढ़ते रहे, इस ख्वाहिश के साथ मैं टीकम शेखावत, पुणेकर न्यूज। थैंक यू सो मच।